ठाकुर सर भी बताया जो बोर्ड बैठक थी उसमें आप परिसर के बाहर तक आए, कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस तक आए, उसके बावजूद आप बैठक में नहीं गए, या जो भी बैठक भले स्थगित भी हो गई थी आज जो भी थी उसके बावजूद भी आप बाहर से ही चले गए। नहीं, वो याद करते रहे ना, तो हमें सूचना थी, डिप्यूटी साहब बोले आए नहीं, इनको मालूम थी, हमारे को फोन करते थे साहब, फोन करते रहे कभी भी नहीं आ रहे। आपको कोई बताया भी नहीं कि ब्रिगेडियर साहब नहीं आ रहे, परिसर में जाने के बाद ही मालूम पड़ा, मालूम पड़ा कि आई नहीं, और काफी इंतजार करते रहे, और मैं करीब वहाँ से 2 बजे तक वहाँ से निकला हूँ, बाकी हमें कोई जानकारी नहीं कि क्यों नहीं आए, क्यों आए, कितनी बोर्ड मीटिंग होती है, ब्रिगेडियर आता। अच्छा ठाकुर साहब, आप क्या मानते अगर आज बोर्ड बैठक होती तो सड़कों को लेकर जो मुद्दा चल रहा है कि सड़कें सारी भह रही पानी में, 3-4 करोड़ की सड़कें थी सारी भह रही, तो ऐसा कुछ हंगामा होता क्या बोर्ड में? नहीं, तो करते ही, क्योंकि रोड हर साल बनती रहेगी, 1.5 करोड़ की रोड बनी जो कि बिल्कुल साफ होगी, असल हम ये मानते हैं कि बारिश के कारण होगी, बाकी वही रोड बनी है, आप केंट में जो केंट के अंदर है ऑफिस के सामने वो रोड देख लो, आखिर वहाँ पे रोड इतनी अच्छी हो रही है, जो जनता नहीं, जैसा बताया जा रहा है, सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब ने बोला कि भाई पानी के कारण भेजे सारी साहब, आपको कहा होगा मेरे से तो कुछ बात करने को भी, हम तो कब से इनसे बोल रहे हैं कि कम से कम काम करो, पैसा फिर कभी ऐसा नहीं खाया जाए जैसे ठेकेदारों को या किसी से मिलकर फिर फायदा पहुँचाया जाए, ये अपने स्वार्थ वाले फायदे। अच्छा, आपके साथ मुकेश सोलंकी जी और प्रतिभा नारद जी भी बैठक में नहीं गए, तो क्या आप लोगों के पहले से कोई एक राय बन गई थी? ऐसा कुछ नहीं था, बैठक हुई, हम इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब नहीं आए इसलिए आप लोग नहीं गए? अच्छा, वो आ जाते थे बैठक, कल 31 तारीख को वापस बुलाई गई बैठक, तो क्या रोक रहेगा आप लोगों का? मेरे को तो मालूम नहीं कि कल वापस बैठक क्या ब्रिगेडियर साहब के साथ में या किसके साथ में, अभी कोई जानकारी नहीं। मान लो कोई सूचना आती तो आप जाएंगे बैठक में? हाँ, सूचना आएगी तो जरूर जाएंगे, मगर कुछ मालूम पड़ेगा तो पता ही नहीं है ना। कल ब्रिगेडियर साहब ने दौरा करा जिस ढंग से, और आप काफ़ी मुखर रहे हैं, आपने काफ़ी समस्या बताई, गंदगी को लेकर आपने बात करी, विकास कार्यों को लेकर आपने बात करी, तो क्या आगे क्या रहेगा इस मामले में आपका रुख बोर्ड में और परिसर में? निर्देश दिए उन्होंने हमारे सामने सीईओ को कि आप ये काम करवाइए, तो जो रोड है जिसकी किसकी हालत है, इसकी नालियाँ भी बताई, रोड भी बताए, और पूरे शहर के अंदर, मतलब मैं केवल अपने वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहर में ये हालत है। खैर, मैंने तो अपना वार्ड दिखाया, वहाँ ये हाल है, बाकी मैं भी तो शहर में घूमता हूँ कि क्या हालत है पूरे, मतलब एक बार हो रोड, दो बार हो, तो हर साल बनती नहीं है कि 2-3 महीने में खत्म हो जाती, आखिर इसी में पैसा लगाते रहेंगे तो उसका हर जनता को कुछ मिले, उसका फायदा जनता को मिले, शहर के अंदर सिवाय गंदगी और सिवाय रोड, मतलब आप अभी झाड़ू लगा लगा करके रेती को उठाई जा रही है जो रोड बनाए, अब उसके नीचे पुरानी रोड निकल आई, पुलियाली रोड वो पूरी बनी हुई, हर साल रोड बनते रहेंगे। इन मुद्दों को लगातार 8 बार एकजुट क्यों नहीं रह पाते, क्या कारण है? और ये तो कैसे क्या बताएं, सबकी अपनी अपनी मंशा, हमने पहले भी मीटिंग करी, आप 3 बीजेपी पार्षद एक साथ हैं, हम तो सबके साथ में हैं, मगर सब अच्छा काम करे, बिल्कुल शहर के लिए हमारे को जनता ने चुना है, हम अपने अपने वार्ड के प्रतिनिधि हैं, आज हम जाएंगे तो हमारा मान